नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम बस मात्र 4 दिन शेष हैं। 4 दिन नहीं, 3 ही दिन शेष। आज 25 तारीख है दोस्तों, और 28 तारीख 28 दिसंबर से शुरू होगा फर्स्ट फेज, और यहाँ पर 13 जनवरी तक चलने वाला है। तो काफ़ी खुशी की बात है कि काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और पोस्टपोन की कहीं भी कोई बात नहीं है। लोग ये सोच रहे कि कोरोना का कोई नए सिम्टम्स वगैरह आ चुके हैं, तो वो चक्कर भी नहीं है। एग्ज़ाम तय सीमा के ऊपर दोस्तों आपका करवाया जाएगा। और यहाँ पर सेकंड फेज़ वालों की मैं बता देता हूँ, वो ये ना सोचे कि उनका एग्ज़ाम अगर 28 से 13 के बीच में नहीं है तो उनका एग्ज़ाम लेट होगा। यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं कि अल्फ़ाबेटिकली नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बट आपका एग्ज़ाम, सेकंड फेज़ वालों का एग्ज़ाम 13 तारीख को, जैसे ही फर्स्ट फेज़ ख़त्म होगा तो पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी रेलवे वालों की कि 14 तारीख से ही आपका शुरू करवा दीजिए। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन दोस्तों हो सकता है 14 तारीख को ही शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई फेज थे, तो लगातार दूसरे अगले ही तारीख को जब फर्स्ट खत्म हुआ था, उसके नेक्स्ट डे ही सेकंड शुरू हो गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना, रेलवे कुछ भी कर सकता है। और आपके एडमिट कार्ड वगैरह, लोकेशन वगैरह, वो 13 तारीख से पहले पहले सारा कुछ आपको डिटेल में दिखा दिया जाएगा। तो इस बात से कतई भी आप चिंता ना करें कि आपका होगा सेकेंड फेज में या नहीं होगा, लेकिन अपनी तैयारी को दोस्तों पूरा आपको रखना होगा। तो जो भी आपको तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो तैयारी करते रहें लगातार। करंट अफेयर का सेक्शन ज़्यादा आएगा, उसकी तैयारी आप करते रहें बहुत अच्छे से। और सेकंड फेज़ वालों को फिर बता रहा हूँ कि 13 तारीख जैसे ही ख़त्म होती है फर्स्ट फेज़, तो 14 को शुरू हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, बस हमें ध्यान में ये रखना कि हमारा 14 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसी को मानकर तैयारी को और बेहतर आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्द मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।